हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 2 ट्रायल बैलेंस शीट का, जिसके अंदर सुमन ट्रेडर का आपको ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बच्चों, आंसर भी नीचे 741 दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको जो भी मटेरियल कॉपी दी है ट्रायल बैलेंस शीट की, उसके पीछे असाइनमेंट वर्क के अंदर दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में बच्चों सारे क्वेश्चन हम लोग असाइनमेंट बुक में से सॉल्व करेंगे। तो ये सम नंबर 2 यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी अमाउंट नोट डाउन कर सकते हो। आप बच्चों असाइनमेंट की कॉपी है तो आप सामने रख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पूरा वीडियो लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 ट्रायल बैलेंस शीट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कम सम है जिसमें आपको प्रैक्टिस पर्पज हो, इसलिए आज मैं आप असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया हुआ है और उसका मैं इमेज भी आगे वीडियो में रख रहा हूँ बच्चों, तो उसके ऊपर से क्वेश्चन करवाना हूँ सम नंबर 2 असाइनमेंट कॉपी में से, जिसके बाद में आप सम नंबर 1 असाइनमेंट कॉपी का करोगे। फॉर्मेट बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट का हम लेंगे आई थिंक स्टेटमेंट फॉर्म सेम ही रखेंगे। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, आपके पास कॉपी होनी चाहिए या आगे जो इमेज दूँ उसमें से आप लोग नोट डाउन कर लेना या फोटो खींच लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ सुमन ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है बच्चों। आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस दिए हुए हैं, गलत है सही है मुझे नहीं पता है, हमें उसका सेटिंग करना है। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले बच्चों ड्राइंग्स है, ये लिखा मैंने ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों ड्राइंग का 30,000। उसके बाद बच्चों बिल्स पेएबल है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। बिल्स पेएबल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद है बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के प्रकार का असेट्स है बच्चों, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर बैंक, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम, वो एक प्रकार का एक्सपेंसेस है बच्चों, जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। रेंट, वो भी एक्सपेंस है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, वैल्यू 3500। उसके बाद बच्चों गुड्स गिवन टू डोनेशन, आपने गुड्स दिया बच्चों गिवन टू डोनेशन, वो भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। ठीक है, गिवन टू डोनेशन, डोनेशन इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, उसका डेबिट बैलेंस होगा बच्चों 5000। आगे जाते हैं सन्ड्री एक्सपेंस, वो भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है बच्चों, उसका भी डेबिट बैलेंस होगा 3850। सेल्स, उसका बच्चों हमेशा इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स गुड्स गोज आउट, हमेशा आप क्रेडिट करते हो 420। उसके बाद है बच्चों बैड डेब रिजर्व, बैड डेब रिजर्व उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, वो लॉस के सामने का रिजर्व है। बैड डेब्ट, दैट इज कॉल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का हमेशा होता है बच्चों डेबिट बैलेंस। उसके बाद है बच्चों ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड वर लिखा है तो दैट इज कॉल इनकम, उसका बच्चों होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, बहुत ही आराम से बच्चों आप देख सकते हो मैंने नोट डाउन किया हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ बच्चों क्रेडिट साइड, अरे सॉरी यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। थोड़ा मैं बच्चों ट्राई कर रहा हूँ वीडियो में दिखे तो मैं इसको ऊपर लेने का कोशिश कर रहा हूँ, पर आई थिंक बच्चों वीडियो कट ऑफ हो जाएगा। यस, तो यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, चलो अब मैं साइड बदल रहा हूँ, यहाँ से आपको नीचे कंटिन्यू करना, मैं सरफ ले रहा हूँ। चलो फिर परचेज है बच्चों, परचेज एक प्रकार का एक्सपेंस है या असेट्स है, उसका डेबिट बैलेंस होगा। परचेज में आप मोस्टली गुड्स खरीदते हो, डेबिट बैलेंस। बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन, BOB लोन, दैट इज कॉल लायबिलिटी, लायबिलिटी का हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस। बिल्डिंग, बिल्डिंग बच्चों एक प्रकार की असेट्स है, असेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस, ये लिखा जिसका क्रेडिट कैश बैलेंस है बच्चों, असेट्स है जिसका डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद बच्चों कैपिटल है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यस, क्रेडिट टू गिवर वर्ड अप्लाई करते हो आप। उसके बाद बच्चों कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी उसका क्रेडिट पर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस है बच्चों, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड PF लिखा है बच्चों शॉर्ट में, मैंने आप लोग नहीं लिख सकते, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। डेबिट बैलेंस आ गया प्रोविडेंट फंड,
वो लायबिलिटी है बच्चों, भविष्य में पेमेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद डोनेशन एक्सपेंसेस, यस डोनेशन एक्सपेंस है बच्चों, डोनेशन एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, आई थिंक इसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि डोनेशन एक्सपेंस में अलग से दिया है बच्चों, देख लेते हैं। आगे जाते हैं, डोनेशन के बाद है परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का आएगा बच्चों क्रेडिट बैलेंस 19,500। फिर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड विड्रॉ करो तो बच्चों डेबिट बैलेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। वैल्यू 10,500। उसके बाद है बच्चों कमीशन, कमीशन कुछ ना लिखा हो तो एक्सपेंस होगा बच्चों, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कोई सूचना नहीं है। इंटरेस्ट में रिसीव्ड लिखा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चों एक दो पॉइंट ये सम के अंदर डाउटफुल है क्योंकि कमीशन में भी नोटिंग नहीं है, मैं पेज घुमा रहा हूँ, पीछे है, ओह पीछे है बच्चों क्रेडिटर है, मेरे ख्याल से जगह कम पड़ रही है, और ट्रेड एक्सपेंस है दूसरे पेज पे, ठीक है रह गया था क्रेडिटर बच्चों, यहाँ डाल देता हूँ, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 4500। एंड ट्रेड एक्सपेंसेस कई बच्चों जगह करके मैं डाल देता हूँ, यस यहाँ बच्चों ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ मैं डाल देता हूँ थोड़ा ऊपर की साइड पे, यस बच्चों यहाँ लास्ट में बच्चों मेरे पेज पे सेकंड पेज पे ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है उसका होगा डेबिट बैलेंस। क्लियर बच्चों? तो थोड़ा लिमिटेशंस होता है बोर्ड पे, मैंने पूरा ट्राई किया, बहुत ही अच्छा समय बच्चों, टेक्स्ट बुक के लेवल से भी हाई है, तो आप लोग एकदम आराम से वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं टोटल करने जा रहा हूँ। टोटल से पहले बच्चों ये जो थी डोनेशन एक्सपेंस है बच्चों, इसके एंट्री में बोलने हुए, डोनेशन की क्या एंट्री होगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो ये गुड्स का पॉइंट है बच्चों, परचेज अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये मुझे डाउट था ये दूर कर दिया, ये क्रेडिट साइड आएगा। वैसे ही बच्चों यहाँ गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, एंट्री क्या बोलोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट परचेज, तो ये भी बच्चों एक प्रकार का परचेज हुआ, गुड्स गोज आउट हुआ। गुड्स के लिए बच्चों याद रखना है गुड्स गोज आउट है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ये बच्चों यहाँ लिखे 10,500, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों दो चेंजेस करने के बाद अगर आप टोटल मैच करोगे तो मेरे ख्याल से 7,41,000 इज द करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से बच्चों ये टोटल मैच हो रहा है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और टोटल नोट डाउन कर लीजिए, दो पॉइंट मैंने चेंजेस किए हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों दोनों पॉइंट जो मैंने रिवाइज किए उसमें आपको याद रखोगे, गुड्स गोज आउट है, गुड्स आएगा तो आप क्रेडिट करोगे, दैट इज वाई गुड्स गिवन टू डोनेशन एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये दोनों को बच्चों क्रेडिट बैलेंस के तौर पे लिखा जाता है, असेट्स का रूल्स अप्लाई करना है। अब बच्चों वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 3, प्रिपेयर टायर बैलेंस शीट एज ऑन 31/19 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ श्री जयकिशन। जयकिशन का बच्चों आपको डेटा दिया हुआ है, सिंपल आपको ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है बच्चों। फर्स्ट कॉलम में कुछ 8 से 9 वर्ड है, सेकंड कॉलम में 7 से 8 वर्ड है बच्चों, सिंपली आपको ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको जो मैंने क्लास में असाइनमेंट के अंदर जो सम दिया यही सम असाइनमेंट का सम नंबर 3 है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों पूरा सम नंबर 3 ट्रायल बैलेंस शीट के साथ हम लोग समझने जा रहे हैं लेक्चर का। तो एक आध दो पॉइंट जोरदार थे तो मैंने समझा दिया, फिर से ध्यान देखना बच्चों। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मैं लिखते जा रहा हूँ बच्चों, मैं रूल्स बोलते जा रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक असेट्स है, असेट्स का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। सेल्स इनकम है बच्चों, सेल्स का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बैंक कमीशन, अब बैंक कमीशन में बच्चों नोटिंग नहीं किया है उन्होंने, पर आई थिंक नेम ऑफ अकाउंट रुपीज लिखा है, तो ऐसा हो सकता है ये बैलेंस गलत दिया हो, तो बैंक कमीशन में बच्चों कंफ्यूजन है, पर एक्सपेंसेस ऐसा समझ के हम डेबिट बैलेंस लिख रहे हैं। चलो उसके बाद बैड डेब्ट रिटर्न, बैड डेब्ट एक्सपेंस है बच्चों, बैड डेब्ट रिटर्न इनकम होता है, तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लिखा 1500। उसके बाद बच्चों लोन टू राकेश,
हमने लोन टू राकेश, राकेश को लोन दिए बच्चों, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। यस, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बच्चों इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा 1500। डैमरेज, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है बच्चों, डैमरेज, इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। चलो उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करो बच्चों उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड इनकम, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर बच्चों हमारे लिए नुकसान है, उसका हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर है, क्रेडिटर का हमेशा लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो उसके बाद बच्चों बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या होता है, तो बिल्स पेएबल इज कॉल्ड लायबिलिटी, उसका हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। डेटर, डेटर इट्स कॉल्ड असेट्स, आपको डेटर से फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं। रिसीवेबल्स, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस। गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉ, अब यहाँ बच्चों खास ध्यान रखना, आगे भी गलती, गुड विड्रॉ, गुड्स गोज आउट, इसका हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस। आगे जाते हैं, इसमें बच्चों पर्सनल यूज के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड्स विड्रॉ किया वो इंपॉर्टेंट है। आगे परचेज है बच्चों, परचेज के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है जिसकी वैल्यू है 10,000, हमेशा डेबिट बैलेंस। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन बिजनेस के लिए बच्चों असेट्स होता है, तराजू, हमेशा डेबिट बैलेंस। ये बच्चों आपके सारे ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर दिए, आप देख सकते हो बच्चों 5-5 मिनट में सम रिकॉर्ड रहा है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, और आप भी टोटल कीजिए और मैं भी टोटल की ट्राई कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने भी टोटल किया, आप लोगों को भी नहीं किया होगा, लगभग 35,600 बच्चों दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो यहाँ बच्चों हमारी धारणा सही थी, ये हमने स्टेटमेंट फॉर्म में किया है बच्चों, थर्ड सम हो गया, सेम फोर्थ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए करना है बच्चों। इसके बाद मेरी इच्छा है कि आपको सस्पेंस अकाउंट वाला या सम नंबर जो रिवाइज करने वाला एक आंसर करवा दूँ, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो असाइनमेंट वाले मटेरियल में से सम नंबर 5, जिसमें आपके पास जयदेव का ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस शीट बना के दिया हो बच्चों, इसको आपको मॉडिफाई करना है और जो भी मिस्टेक्स है, रॉन्ग है आइटम, उसको सुधार के बच्चों नया ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका आंसर आप नीचे देख सकते हो 67,000, और लास्ट में बच्चों सस्पेंस अकाउंट के अंदर 700 रुपया आएगा। ये पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्या क्या मिस्टेक किए सम नंबर 5 में बच्चों, तो इसका पूरा आंसर मैं व्हाइट बोर्ड पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाने जा रहा हूं। आप यहां से एक क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, या अगर आप क्लास में आ रहे हो ऑफलाइन में तो आपके पास मटेरियल कॉपी, उसमें भी ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव आंसर ऑफ सम नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम असाइनमेंट कॉपी में से लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ जयदेव। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जयदेव एज ऑन 31 मार्च 2019, इफ एनी मिस्टेक एग्जिस्ट करेक्ट इट एंड प्रिपेयर न्यू ट्रायल बैलेंस। मिस्टेक हो तो बच्चों नया ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है हमें। ठीक है, ट्रायल बैलेंस शीट ऑलरेडी बनाया हुआ है बच्चों, अब इसका अगर फॉर्मेटिंग चेंज कर दें हम, तो इसको फॉर्म ले जाते हैं हम लोग डेबिट क्रेडिट वाला। यस बच्चों, थोड़ा फॉर्म चेंज करना होगा। यस, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आगे बहुत सारे सब मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म के करवाए बच्चों। अब मैं जो सम करवाने जा रहा हूँ, इसके अंदर हमें अकाउंट का फॉर्म लेना है। ठीक है बच्चों, चलो बना बनाया बैलेंस शीट है बच्चों, तो ऐसे वर्क करेगा, नेम ऑफ अकाउंट, फिर आएगा बच्चों डेबिट बैलेंस रुपीज में, फिर आएगा बच्चों नेम ऑफ अकाउंट, और फिर आएगा बच्चों क्रेडिट बैलेंस, वो भी रुपीज में। ठीक है, चलो अब बच्चों आपको खास ये ध्यान रखना है, बैलेंस डेबिट में आएगी क्रेडिट में, सेम रूल्स में रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल गलत है बच्चों, कैपिटल उन्होंने डेबिट साइड लिखा है, कैपिटल का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा। ठीक है, फॉर्मेट आप देख सकते हो बच्चों, अकाउंट फॉर्म में हमने डिस्प्ले कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में दिखाई दे रहा है। यस, परफेक्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट्स होती है बच्चों,
असेट्स का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस, वैल्यू है 3000। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है बच्चों, वो भी गलत है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा, जो जो गलतियां उन्होंने की है मैं सुधारते जा रहा हूं। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, वैल्यू है बच्चों 350। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है बच्चों, इनकम का होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस, वैल्यू 2500। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ बच्चों, गुड्स गोज आउट है, ध्यान देना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका भी बच्चों क्रेडिट बैलेंस होगा, खास ध्यान रखना गुड्स गोज आउट, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। वैल्यू 300 रुपये। आगे जाते हैं, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है बच्चों, ये भी गलत है, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा बच्चों, इन्होंने पूरा ट्रायल बैलेंस शीट गड़बड़ वाला बनाया है। बैंक लोन, बैंक लोन बच्चों लायबिलिटी होती है, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो जो गलतियां की है बच्चों मैं सुधारते जा रहा हूँ। अब बच्चों ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये लिखा ड्रॉइंग्स 2500 रुपये। उसके बाद है डेटर, डेटर भी असेट्स होता है बच्चों, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस। बच्चों कितना आसान चैप्टर है, आपको डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना, बिल्स रिसीवेबल असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल का भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद है बच्चों परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न ये भी गलत किया है उन्होंने, क्रेडिट बैलेंस, वैल्यू आएगी 3000। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस। रेंट पेड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, हमेशा डेबिट बैलेंस 2000। लॉस ड्यू टू थेफ्ट दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, लॉस डेबिट बैलेंस, वैल्यू आएगी बच्चों 350। और उसके बाद है गुडविल दैट इज कॉल्ड असेट्स, असेट्स का भी आएगा बच्चों डेबिट बैलेंस, वैल्यू है 31000। अब बच्चों इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ट्रायल बैलेंस शीट में कुछ लोचा होगा, हम टोटल करते हैं बच्चों, मैं आपके सामने ही टोटल कर रहा हूँ। यस 3000, 350, 2500, 5000, 300, 2000, 350 और 31000, ठीक है, टोटल आएगा 67000, एकदम सही है बच्चों, आ जाता है सेम टोटल में यहाँ रखने जा रहा हूँ बच्चों 67। मैच ना हो तो मुझे टेम्पररी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, -25000, -23000, -2500, -2800, -10000, -3000, 3000 लेस करने के बाद 700 रुपये डिफरेंस आ रहा है, एकदम सही है बच्चों, नीचे आंसर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो जब ट्रायल बैलेंस शीट टैलीड ना हो तो वो गलती को सेट करने के लिए बच्चों टेम्पररी आपको सस्पेंस अकाउंट में वैल्यू ले जानी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा सम नंबर 5 नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद बच्चों भले मैंने 6 होमवर्क में लिखा हो और 6 नंबर का सम भी मैं आपको करवा देता हूं। बच्चों थोड़ा वीडियो में कट हो रहा है, टोटल में थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, लास्ट में आप लोग नोट डाउन कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे दिखाई रहता है सम नंबर 6, द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ सी कृष्णकांत एट 31 मई 19 इज नॉट शोन अ आइडेंटिकल बैलेंस, अ सर्टेन मिस्टेक्स एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस शीट। तो बच्चों कृष्णकांत नाम का एक बिजनेसमैन है जिसने ट्रायल बैलेंस शीट बनाया जिसमें बहुत सारी गलतियां की है, उसकी मिस्टेक और गलतियों रिवाइज करके बच्चों आपको नया ट्रायल बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें जो भी बच्चों डेबिट या क्रेडिट गलत बैलेंस लिखे होंगे उसको हम रिवाइज करेंगे, नीचे आंसर भी आपको दिख रहा है 143940 इज द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट। तो पूरे क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर व्हाइट बोर्ड में वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, या फिर आपके पास जो भी असाइनमेंट कॉपी है इसमें ये सम्स पूरा नोट डाउन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, छठा सम मैंने ऑलरेडी आगे देखा था, आपको होमवर्क में लेने जा रहा हूं, पर लेक्चर बहुत लंबा नहीं बना है बच्चों, तो 6 नंबर का सम भी करवा देता हूं मैं, ठीक है, यानी होमवर्क बहुत कम रहा, फर्स्ट एंड फोर्थ आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो इसके बाजू में भी अगर होमवर्क लिखना हो बच्चों तो सेम फोर्थ नंबर आपको करना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का बच्चों, द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ कृष्णकांत एज ऑन 31 मार्च इज नॉट शोइंग आइडेंटिकल, एज सर्टेन मिस्टेक्स एंड प्रिपेयर रिवाइज ट्रायल बैलेंस, यानी मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस शीट हमें बनानी है बच्चों।
फॉर्मेट से मैं अकाउंट वाला ले रहा हूँ, नेम ऑफ अकाउंट डेबिट बैलेंस रुपीज, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रुपीज, उन्होंने जो भी लिखा है उसमें गलत है बच्चों, उसे मुझे रिवाइज करना है, एने अकाउंट ना फॉर्म में आपी है। ओके चलो, सबसे पहले कैपिटल, उन्होंने लिखा है बच्चों डेबिट बैलेंस ना चले, सॉरी कैपिटल मैंने भी गलती से लिख दिया बच्चों, गलती से मिस्टेक। कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। ये पहली गलती सुधारी। 78,200 स्टॉक ऑफ गुड्स असेट्स है बच्चों, असेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, सही है 21,300। उसके बाद बच्चों सेल्स गलत है, सेल्स इनकम होती है, उसका हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। गुड्स गोज आउट, आप लगते हो ना पर्च, गुड्स गोज आउट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स रिटर्न डेबिट। बच्चों सेल्स गुड्स रिटर्न डेबिट का मीनिंग होता है मेरे ख्याल से परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का बच्चों हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, गुड्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, ये बच्चों मैं साथ में सब सेटिंग कर देता हूँ। यस दिस इज कॉल परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस। आगे जाते हैं डेटर असेट्स है बच्चों, सही है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 17,000। उसके बाद है बच्चों वेजेस एक्सपेंसेस है, वेजेस का भी होगा बच्चों डेबिट बैलेंस 1600। उसके बाद है बच्चों स्टेशनरी एक्सपेंस, उसका भी होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। उसके बाद है बच्चों सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस सही है बच्चों, वैल्यू है 2300 रुपये। उसके बाद है बच्चों कमीशन, कोई सूचना नहीं है तो एक्सपेंस होगा, रिसीव्ड लिखा हो तो मैं क्रेडिट समझता हूँ, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है बच्चों, गलत लिखा ये रिवाइज किया, जिसकी वैल्यू है बच्चों 390 क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, वैल्यू है बच्चों 2000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस 540। उसके बाद है बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, इनकम हमेशा क्रेडिट था बाड़ा को आ रही थे याद रखो तो भी चल, एक्सपेंस डेबिट कर दो आप। बैड डेब रिजर्व दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, बैड डेब्ट रिजर्व 1200। उसके बाद है बच्चों बैड डेब्ट, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, लॉस है, लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों 500। उसके बाद जनरल रिजर्व, उसका हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, वैल्यू है बच्चों 1500। उसके बाद गुडविल, गुडविल कॉल असेट्स, असेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस 25,000। परचेज, परचेज भी गुड्स कम्स इन डेबिट बैलेंस, देख रहा हो बच्चों एकदम आसानी से जो आपको घर पे करना था मैंने करवा दिया। फर्नीचर का भी बच्चों डेबिट बैलेंस होता है, फर्नीचर 18,950। और लास्ट में बच्चों डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, कस्टमर को आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, ये हो गया 3650। अब बच्चों उनकी गलती हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि बैलेंस मैच होता है कि नहीं। आप लोग भी बच्चों ट्राई करो, आंसर नीचे 143,940 आ रहा है, मैं भी बच्चों ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ। यस बच्चों मैंने भी टैली कर लिया है, टोटली परफेक्टली मैच हो जाता है 1,43,940। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस शीट मैथमेटिकली करेक्ट, अकाउंट मेथड और स्टेटमेंट फॉर्म। बच्चों आप देख सकते हो नाना करते करते मैंने असाइनमेंट के भी आपको 4 सम करवा दिए, टेक्स्ट बुक के भी 4 सम करवा दिए बच्चों, टोटल 8 क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन। मेन है बच्चों आपको इसके अंदर एक्सपेंसेस इनकम असेट्स को फाइंड करना, आपको एक बार पता चल जाए कि असेट्स है तो आप डेबिट लिखोगे, एक्सपेंस है तो आप डेबिट लिखोगे, इनकम तो आप क्रेडिट करोगे, रिसिप्ट हो तो आप क्रेडिट करोगे, तो यही बच्चों याद रखना है, लायबिलिटी हो तो क्रेडिट, कैपिटल हो तो क्रेडिट, बस बच्चों क्लियर वर्ड याद रखना है, यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.